हाय दोस्तों, अभी मैं एक नन्हा सा पैकेट्स का बात करने जा रही हूँ। ये है विक्स का कफ ड्रॉप्स। ये आप खांसी अगर होते हैं किसी को तो वो इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम से ज़्यादा अच्छा होगा जब तक आप ये माउथ में रखेंगे, गले पे उसका असर होता रहेगा। जब एक बार पेट में चला जाए तो उसके बाद इसका असर बहुत ही जल्दी धीमा हो जाता है और आखिर तक ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जब आपका इंस्टेंट ज़रूरत हो तभी इसे आप माउथ में रख कर, एक तरह से हम चॉकलेट लिक करते हैं धीरे धीरे धीरे, वैसे आप खा सकते हैं। ये जो है मेरी नानी के लिए है, वो थोड़ी ओल्ड ओल्ड है तो उन्हें ये सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत लो है इनकी कंपेरेटिवली जो यूथ है। तो इसका बहुत सारा फ्लेवर्स आता है। मेरे पास एक जिंजर का है और एक मेथनॉल का है। जिंजर होता क्या है, अदरक। अदरक हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका बहुत ये मानना है कि अदरक खांसी के लिए बहुत असरदार होता है। तो ये जिंजर का जो फ्लेवर है ये आपको उतना पसंद नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हो तो, पर ये मेंथल जो है ये बहुत ही फ्रेशनेस देता है माउथ में और इसका असर अच्छा भी रहता है आप अगर ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो। पर अगर आप थोड़े बड़े हैं और अगर आप जानते हैं कि जिंजर कितना इफेक्टिव है तो आप जिंजर का ले सकते हैं। यू नो बोथ वर्क सेम इक्वली और इसका प्राइस भी उतना नहीं है दोस्तों। इसका प्राइस आपको लगभग एक हाई 1 रुपये पड़ता है और इसमें जो क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है। सो 2 ग्राम का एक टैबलेट आपको 1 रुपये में आसानी से केमिस्ट के शॉप में और कई कई जगह पे तो ये आई थिंक ग्रॉसरी शॉप में भी मिल जाता है। तो खांसी का ये एक अच्छा इलाज होता है, खांसी को इंस्टेंट राहत देने के लिए। या नहीं तो अगर आप यू नो गले में हिचकिच भी है, कई बार ऐसा होता है कि हमें खांसी नहीं होती है पर कुछ ऐसा लगता है कि अटका हुआ है, मानो निकल ही नहीं आता, तो उस वक्त भी वो होता क्या है, वो जो होता है वो हमारे वलगम्स होते हैं। जब भी एसिडिटी होती है तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं, फिर हमें ना अंदर जाता है पेट का और ना बाहर निकल आता है। तो उस वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर अपने गले की खराश को दूर कर सकते हैं और यू नो गाना गाएं, दोस्तों को इम्प्रेस करें और नहीं तो आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से हंसते खेलते हुए वक्त बिता सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये महीना जो है यू नो COVID-19 का चल रहा है, सो प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने हाथ अच्छे से धोआ करें और यू नो अपने बड़े बूढ़े को ज़्यादा प्रोटेक्ट करें क्योंकि उनसे जो है आप तक ये आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।